नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने नेचुरल गार्डन से कुछ नेचुरल सब्जियों की हार्वेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पत्ता गोभी की हार्वेस्टिंग करेंगे और इस पत्ता गोभी की हार्वेस्टिंग में हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, इसलिए यह फूल ऊपर से फटने लगा है। इस गोभी की हार्वेस्टिंग हमने 4-5 दिन पहले कर लेनी चाहिए थी। और लीजिए, यह हमने गोभी की हार्वेस्टिंग कर ली है। गोभी के बचे हुए हिस्से को निकाल कर हम यही डाल देते हैं ताकि यह गल सड़कर कुछ समय के बाद प्राकृतिक खाद का रूप ले ले और यह मल्चिंग में भी काम आती है। इस छोटी सी फूल गोभी की भी हार्वेस्टिंग करेंगे। इसका साइज काफी छोटा है लेकिन प्राकृतिक रूप से उगाने की वजह से इन सब्जियों का टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। यह हमने अपने नेचुरल गार्डन में धनिया लगाया हुआ है। और यहां पर हमने मेथी लगाई हुई है। और यह देखिए, टमाटर के पौधों पर गुच्छों में टमाटर लगे हुए हैं। आज हम कुछ बैंगन की भी हार्वेस्टिंग करेंगे। और यह सब्जियां हमने बिल्कुल ही प्राकृतिक तरीके से उगाई हुई हैं। इनके अंदर किसी भी तरह का केमिकल या पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि किचन वेस्ट और फलों के छिलकों के हिसाब से पौधे उगाए हुए हैं। बैंगन की चमक को देखिए और उसके साइज को देखिए, बहुत ही लाजवाब है। और धीरे धीरे हम बैंगन की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। और यह बैंगन के पौधे हमारे पिछले सीजन के पौधे हैं जिनकी हमने कटिंग कर दी थी। अब इन पर दोबारा से बैंगन लगने शुरू हो गए हैं। लीजिए, यह है हमारी आज की छोटी सी हार्वेस्टिंग। आज हमने अपने नेचुरल गार्डन से एक पत्ता गोभी की हार्वेस्टिंग की है, एक फूल गोभी की हार्वेस्टिंग की है और कुछ बैंगन की हार्वेस्टिंग की है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।